आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमको क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इनमें से एक संख्या हमको दे रखी है -16/7, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या x है। माना कि दूसरी परिमेय संख्या x है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, तो एक संख्या -16/7 है। तो ये एक संख्या तो दे रखी हमको -16/7, दूसरी हमने मान ली x, इसका योग क्या दे रखा हमको? -5। अब हमको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब यहां से हमको x का मान निकालना है, इसलिए हम चर को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे। तो हमको x का मान निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -16/7 है, इसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये -16/7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर के दूसरी तरफ जाने पर संख्या का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये -5 तो ऐसे रहेगा, और ये -16/7 है, ये इधर आके -16/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, 7 और 1 का लघुत्तम लेना है। हमने -5 को भी 5/1 के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे 1 और 7 का। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का 1 और ये 7, फिर इसमें 7 का भाग जाएगा 1 और ये 1 बार, तो यहां से एलसीएम हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिलेगा आपको 1 × 7 = 7। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। 1 का भाग 7 में जाएगा 7 बार, और 7 का गुणा 5 में होगा, तो ये -35। क्यों? क्योंकि ये 5 है, जो ये -5 है। धन 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार, और उस 1 का गुणा 16 में होगा, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमको x का मान क्या मिल गया, x का मान मिल गया -35 धन 16/7। अब हमको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x बराबर -35 धन 16, मतलब ऋण के 35 में से धन का 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, -19/7। तो हमको पूछा था कि वो दूसरी संख्या कौन सी जोड़नी पड़ेगी, तो हमने निकाल लिया कि वो हमने मान लिया था कि वो संख्या x है, तो ये x का मान आ गया हमारे पास -19/7। अब देख लेते हैं क्या है परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में लिख पा रहे हैं क्या अपन? हाँ, कि p/q के रूप में तो लिख पा रहे हैं हम इसको, लेकिन जो परिमेय होने की कंडीशन है उसको संतुष्ट कर रहा है क्या है? तो हम देख रहे हैं कि q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन ये भी संतुष्ट हो गई। दूसरी ये है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो p और q पूर्णांक है क्या? तो हाँ, p और q दोनों पूर्णांक है, क्योंकि p का मान है 19 और q का मान है 7, तो इसने ये कंडीशन भी संतुष्ट कर दी। इसका मतलब ये कि जो दूसरी संख्या निकाली हमने परिमेय संख्या, वो वाकई में हमारी परिमेय है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।